हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हम जा रहे हैं पोखाल, और पोखाल में मैच खेलने जा रहे हैं और अपने गांव भी घूम के आ जाएंगे इसी बहाने। और यहाँ देखो कोटद्वार में कोहरा कितना लगा है, ये कोटद्वार में इतना कोहरा लगा हुआ है भयंकर। खनन का काम जोरों पर है और सही है कि यहाँ पे इधर की साइड खनन हुआ है, जिस कारण यहाँ रोड के किनारे नदी नहीं आती। और ये देखिए यहाँ तो रोड भी टूट चुकी है, ये रोड बनाने वाला भी कोई नहीं है। कोई नहीं, हमारे नेगी जी आएंगे वो बनाएंगे। और यहाँ अभी फ़िलहाल कोहरा है इतना, चलते हैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ। तो गाइज़ ये है दुगड्डा का पेट्रोल पंप और यहाँ पे हम डीजल भरा रहे हैं। और डीजल में देखो 1010 का तेल भराया है चाचा ने, हो जाएगा। गाइज ये है पोखाल की जलेबी और दूध, ये दूध है, मस्त मज़ा आया ऐसे खाने में। तो गाइज हम पोखाल से नीचे ये कच्ची रोड पे आ गए और यहाँ से हम जा रहे हैं मैच खेलने, तो देखते हैं मैच में क्या हाल होता है। बट यहाँ रास्ता इतना ख़राब है कि गाड़ी में चलने के लिए दिक्कत हो रही है। देखो मेरे साथ के जितने देखो उतर गए, क्योंकि यहाँ पे जो पत्थर हैं वो बीच में खड़े हैं, गाड़ी नीचे से टकर रही है, इसलिए धीरे धीरे करके चल रहा हूँ। ये रोड देखिए ज़रा, हम जा रहे हैं जंगल के रास्ते, देखो कितना खतरनाक रास्ता है ये वाला। एक बार पैर फिसल गया तो सीधा नीचे गदन। ये सामने नदी है, ये देखो कहाँ पहुंच गए हमारे प्लेयर, सबसे नीचे पैर फिसल गया तो सीधा नीचे है आदमी। तो गाइज ये है सटलदार स्कूल जो यहाँ पे दिख रही है, इससे ऊपर सटलदार गांव है और यहाँ पे एक दो घर है, और यहाँ बीच में गांव गोपी गांव गांव है, और यहाँ से ऊपर मेरा गांव दिख रहा है गहड़ गांव, और हमने जाना यहाँ नीचे है। ये देखिए यहाँ से नीचे जाना है हमें पूरा, और इधर नदी का इलाका है पूरा। और ये देखो कितना प्यारा व्यू दिख रहा है यहाँ से, मस्त जगह है एक नंबर। बचपन में हमने इस नदी में बहुत मछली पकड़ी है और मस्ती भी खूब करी है। अब बहुत सालों में आना हो रहा है इधर, अब तो इतनी नदी भी नहीं है, सूख गई है। और ये थोड़ी बहुत ही नदी है, इसमें जो पानी आ रहा है इसमें मछली भी होती है, और बचपन में हमने इसमें बहुत मछली पकड़ी और मज़े भी बहुत करे हमने इस नदी में। अब वो मज़े ही नहीं रहे, अब तो सब मज़े नहीं आते, बड़े हो गए, बचपन वाले दिन याद आते हैं। हम इस वक्त पहुंच गए हैं नदी में, और जहां मैच खेलने जाना है वहीं पहुंचे हैं। और ये देखिए यहाँ नदी क्रॉस करी और उसके बाद चल रहे हैं झाड़ी झाड़ी। तो ये पहाड़ों का क्रिकेट है, इसे कहते हैं पहाड़ी लव और पहाड़ी क्रिकेट। तो पहाड़ी क्रिकेट में मज़ा ही कुछ और है। अब देखिए पहाड़ चढ़ते चढ़ते हमने कहाँ जाना है मैच खेलने, मैं ग्राउंड भी दिखाऊँगा आपको। अरे जीजा जी आसिफ द ट्रैवल लवर, ये सोच रहे हैं कि मेरे क्या ज़िंदगी हो गई है। यहाँ देखो जंगल ही जंगल जा रहे, जंगल का मज़ा ही कुछ हो रहा है, ग्राउंड का कुछ पता नहीं है। ये मंदिर कुंवर सिंह, सही है, चलते रहो कुछ तो मिलेगा। गाइज यहाँ हमने मैच खेलना है, ये जिया जी खेल रहे हैं हमारे। गाइज ये है ग्राउंड और यहाँ मैच खेलना है पूरा। ये देखिए ये पूरी जगह फील्डिंग लगेगी, इधर के साइड राइट साइड में नदी है पूरी, ये देखिए ये नदी। मुश्ताक बॉल खेलता हुआ, ये शाबाश, बहुत अच्छे गुड नोंडे, डबल 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 है, अब इलियास खेलेगा यहाँ पर मैच। मुश्ताक सांस दिखाओ, इलियास कर रहा है बैटिंग, देखते हैं क्या लगता है, चौका छक्का मामा ने तो नहीं जानो। तो गाइज ये आ गए हम अपने गांव, और ये गांव के हमारे खेत बंजर पड़े हुए सब, ये देखिए। और ये बन रहा है घर हमारी चाची का, इसका जायजा ले रहे हैं ये दोनों के दोनों।
टेढ़ा बना रखा है जाए जाए लेने में माहिर हैं दोनों। और यहाँ हम ठंड में आ गए हैं और गांव देख के चाचा बोल रहे हैं मुझे कोटदार भेज देते, तुम यहाँ क्यों लेके आए? इन्हें पता ही नहीं है कि यहाँ का मन कितना अच्छा होता है। इधर यहाँ नज़ारा ही अलग है। हाँ जी कैसा लग रहा है यहाँ? यहाँ बहुत बढ़िया लग रहा है और ठंड ज़्यादा है यहाँ, बहुत चटपटी खा रहे हमारे वहाँ से ज़्यादा ठंड थोड़ा होगी। और क्या खा रहे हैं? ठंड है चटपटी कोड़ा ज़्यादा ठंड है, पर बेलगाँव से ज़्यादा ठंड तो नहीं होगी। ये सामने महागढ़ मंदिर गाइस, जब हम कोटद्वार से आए थे तो कोहरा इतना सारा था, और यहाँ देखिए मौसम देखो क्या क्लियर मौसम है, कितनी खिली खिली धूप है यहाँ पे निकली हुई, और इतना मस्त मौसम है। ये हमारे गांव का नज़ारा, हेलो गाइस। तो हम पहुँच गए घर, और तो मैच हम दोनों हार गए थे, और दोनों मैच हारने के बाद सीधा हम घर के और आ गए, और हमने फिर रीएंट्री करी, और रीएंट्री करके फिर दोबारा हार गए। तो गांव का मैच था और फ्रेंडली मैच था, पर बहुत मज़ा आया गांव में, और टूर्नामेंट तो बढ़िया ही था। तो चलो घर पहुंच गए, अब देखते हैं। यहां पे बैठे बैठे आराम कर रहे हैं फिलहाल, और हमारी आनू शरारत तो करती रहती है। देखो अभी आनू के हाल देखना। अबे अबे टॉर्च ले गए बे, अबे टॉर्च ले गए बे उसकी, ये देखो। तो गाइस इसकी हरकतें देखो, देखो यहाँ देखो, ये इसकी हरकतें हर समय ऐसी रहती है। यहाँ देखो ये माना क्या कर रही हो? ये माना क्या है ये? अरे ये जूते यहाँ मत रखो, जूते नीचे रखो, पहनना है इसे, पहनो पहनो जूते पहनो, जरा इसे नहीं इसे पहनो, ये सुल्टा है सुल्टा पहनो, रुको एक मिनट। तो गाइस मैं ये ब्लॉग यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ, और आपको अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर।